हिंदी सिनेमा के अभिनेता संजीव कुमार की जिंदगी की कहानी बेहद रोचक है। माँ बाप ने इनका नाम रखा था हरिहर जेठालाल जरीवाला, लेकिन इस दुनिया में ये मशहूर हुए संजीव कुमार के नाम से। संजीव कुमार का जन्म हुआ था 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में। जिंदगी के शुरुआती 7 साल इन्होंने सूरत में ही गुजारे, इसके बाद इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। बचपन से कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले संजीव कुमार जब बड़े हुए तो उन्हें लगा कि वो एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, और इसलिए इन्होंने थिएटर का रुख किया। इसके बाद इन्होंने रुख किया फिल्मों की तरफ, और इन्हें 1960 में रिलीज हुई हम हिंदुस्तानी नाम की फिल्म में पहली दफा काम करने का मौका मिला। बतौर हीरो इनकी पहली फिल्म थी 1965 में रिलीज हुई फिल्म निशान। हालांकि हीरो के तौर पर रिलीज हुई इनकी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन साल 1968 में एक फिल्म ऐसी आई जिसमें संजीव कुमार की एक्टिंग ने उस दौर के बेहद दमदार एक्टर दिलीप कुमार को भी इनका फैन बना दिया। इस फिल्म का नाम था संघर्ष, और इसमें संजीव कुमार दिलीप कुमार के दुश्मन बने थे। संजीव कुमार को बॉलीवुड में सुपरस्टार बनाया साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म खिलौना ने। संजीव कुमार की शख्सियत की खासियत ये थी कि इस दौर में वो इकलौते ऐसे एक्टर थे जो फिल्मों में केवल हीरो ही नहीं बल्कि विलन और कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे थे। संजीव कुमार से जुड़ा एक बेहद खूबसूरत किस्सा कुछ यूं है कि जब इन्होंने थिएटर के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो इनके पहले डायरेक्टर मशहूर एक्टर रहे A.K. हंगल साहब थे। संजीव कुमार हंगल साहब से नाटक में उन्हें हीरो का रोल देने की खूब मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन हंगल साहब ने संजीव कुमार को दिया एक बूढ़े आदमी का किरदार। हंगल साहब ने इनसे कहा कि हीरो जैसे तुम दिखते हो, हीरो का किरदार तो तुम आसानी से कर लोगे, लेकिन तुम्हें ऐसा किरदार निभाना चाहिए जैसे तुम दिखते नहीं हो। हंगल साहब की दी हुई ये सीख संजीव कुमार ने अपनी जिंदगी से जोड़ ली। इन्होंने ढेरों ऐसी फिल्में की जिनमें इन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा वाले किरदारों को निभाया। 1978 में रिलीज हुई फिल्म त्रिशूल में इन्होंने अपने से 4 साल छोटे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता का किरदार निभाया। संजीव कुमार और जया बच्चन की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इन्होंने कई फिल्मों में जया बच्चन के साथ काम किया था। संजीव कुमार अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि फिल्म परिचय में जया मेरी बेटी बनी थी, फिल्म नौकर में मैंने इसके साथ रोमांस किया, जबकि कोशिश में हम मियां बीवी बने, और शोले में तो मैं इनका ससुर बना था। अब तो किसी ऐसी फिल्म का इंतजार है जिसमें मैं इनका बेटा बन सकूं। उस दौर में इनका एक चर्चा खूब होता था। दरअसल संजीव कुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा के दिल में धर्मेंद्र पहले ही अपनी जगह बना चुके थे। संजीव कुमार ने जब हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने संजीव का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। संजीव कुमार का दिल इस बात से बेहद टूट गया। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। यूं तो उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस सुलोचना पंडित से इनके अफेयर की खूब खबरें रहीं, लेकिन उनसे भी इनकी शादी नहीं हो पाई। एक दफा अपने दोस्त गुलजार को इन्होंने अपनी शादी ना करने की वजह बताई। इन्होंने गुलजार से कहा कि इनके खानदान में कोई भी मर्द 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, इसलिए ये किसी से शादी करके उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते। संजीव कुमार की बात भी सच निकली। 6 नवंबर 1985 को महज 47 साल की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से संजीव कुमार की मौत हो गई। इनसे पहले ही इनके छोटे भाई निकुल की भी मौत हो गई थी, और इनकी मौत के 6 महीनों के बाद ही इनके एक और भाई किशोर की भी मौत हो गई। संजीव कुमार ने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसे किरदार निभाए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। अंगूर के अशोक और शोले के ठाकुर को भारत का कोई भी सीने प्रेमी कभी नहीं भुला सकता। 1971 में रिलीज हुई फिल्म दस्तक में इनके निभाए हामिद के किरदार के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। इसके बाद 1973 में रिलीज हुई फिल्म कोशिश के लिए भी इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। इस फिल्म में इन्होंने हरिचरण का किरदार निभाया था। अपनी शानदार और संजीदा डायलॉग डिलीवरी और बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से संजीव कुमार ने अपने लाखों फैंस बना लिए थे। फिल्म नया दिन और नई रात में इन्होंने 9 किरदार निभाए।
उस वक्त हर किसी ने इनकी एक्टिंग का लोहा माना था। बेहद कम उम्र में संजीव कुमार जी की मौत होने से इनके फैंस काफी उदास हो गए थे। संजीव कुमार की मौत के बाद भी इनकी कई फिल्में रिलीज हुई। फिल्म प्रोफेसर के पड़ोसन से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि मौत से पहले तक संजीव कुमार इस फिल्म का 3/4 हिस्सा शूट कर चुके थे। इनकी मौत की वजह से फिल्म की कहानी को बदलना पड़ा और इन्हें फिल्म से गायब करने के लिए फिल्म की कहानी फिर से लिखी गई। इस कहानी को फिर से लिखने में 6 महीने का वक्त लगा। संजीव कुमार जब अचानक दुनिया छोड़कर गए तो बॉलीवुड समेत सारा भारत सदमे में आ गया। भारत सरकार ने संजीव कुमार को सम्मान देते हुए साल 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर इनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया था। इस बात से शायद ही कोई सिने प्रेमी इनकार कर पाएगा कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ना तो संजीव कुमार जैसा कोई था और ना ही कोई होगा।